माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज मूंग दाल का एक नाश्ता बनाऊंगी, बहुत ही यूनिक है और हेल्दी भी। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के लिए। ये मूंग की दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो के रखा था। ये अच्छे से फूल गया है, देखिए ये अच्छे से फूल गया है। अब इसको क्या करेंगे, दाल को पतीले में डाल देंगे। इसमें एक कप करीब पानी डालेंगे, एक कप के करीब। अब इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, मैं दिखाती हूँ किस तरह से पकाना है इसको। और इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक ये दाल पक रही है, तब तक मैं एक मज़ेदार सी चटनी बना के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया का पत्ता लिया, इसको धो के अच्छे से मैंने काट लिया है। और ये दो हरी मिर्च है, और ये कुछ नारियल है, कच्चा नारियल, फ्रेश नारियल है ये। आप चाहे तो सूखा नारियल भी ले सकते हैं। और ये दो तीन कली लहसुन का है, और ये थोड़ा सा बादाम है, कच्चा बादाम। और ये थोड़ा जीरा, ये अदरक, ये काला नमक, और ये सफ़ेद नमक। इसको डाल देंगे जार में। उसके बाद ये 2 चम्मच के करीब नींबू का रस है, इसका एक चटनी बना लेते हैं अच्छा से। देखिए दोस्तों मेरा मज़ेदार से चटनी बन के रेडी हो गया है। चलिए अब चलते हैं, मूंग दाल को चेक कर लेते हैं पका है या नहीं। इसको ज़्यादा ऐसे भी नहीं पकाना था, इसी तरीके से पक। तो मैंने छान लिया अच्छे से। ये पानी जो छना हुआ है इसको फेंकना नहीं है। ये आटा गूंथने में या फिर सूप बना सकते हैं इसका, या फिर करी बना सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक मैं ब्रेड क्रम्स को तैयार कर लेती हूँ पीस के। छोटे छोटे टुकड़ों में इसको डाल देंगे। उसके बाद इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स को तैयार कर लिया है। इसको ज़्यादा मैंने बारीक से नहीं पीसा है, बस ये इसी तरीके से पीसना है दरदरा। अब इसको साइड में कर लेते हैं। बस तो मेरा दाल देखिए ठंडी हो गई है दाल। अब इसको क्या करेंगे, 4-5 चम्मच निकाल लेंगे। इसको कटोरी में निकाल के रख देंगे और इसको पीस लेते हैं। ये वही जार है जिसमें मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार किया था। और इसको इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा बारीक से नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही पीसेंगे। 2 बार करके इसको पीसेंगे दोस्तों। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। ये करी पत्ता है, छोटा छोटा मैंने इसको काट के डाला है। और ये धनिया पत्ता है, प्याज, 2 प्याज मैंने बारीक काट लिया है। और ये मसाला है, देखिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटा हुआ है। और ये चिली फ्लेक्स, ये सौंफ 1 चम्मच, ये 1/2 चम्मच जीरा, आमचूर पाउडर, चाहे तो आप नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं या फिर चाट मसाला। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये ब्रेड क्रम्स है जो मैंने पीस के रखा था, इसको भी डाल देंगे इसी में। सबको डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो अपने पसंद की सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं इसमें। गाजर घिस के डाल सकते हैं, बंदा गोभी भी घिस के डाल सकते हैं। इसको अच्छे से बस मिक्स करना है इस तरीके से। इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे ताकि इसका जो है जो भी मसाला है सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जो भी प्याज धनिया पत्ता जो भी मैंने इसमें डाला है सबको अच्छे से मिला देंगे। को अच्छे से एक अच्छा सा डो बना लेंगे इसका। देखिए इस तरीके से इसको मिलाना है। ये दाल को भी मिला देंगे जो मैंने निकाल के रखा था, 4-5 चम्मच। इससे क्या होगा, एक दरदरा जैसा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा।
देखिए कितना अच्छा ये डो हो गया मेरा बनके तैयार। अच्छे से इसको मिला लेंगे। अब इसका टिक्की तैयार कर लेते हैं। अब जिस तरीके से रखना चाहते हो टिक्की उस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं गोल गोल बनाऊंगी, मैं इस तरीके से टिक्की बना रही हूँ। देखिए दोस्तों इसी तरीके से बनाना है। इसको चारों साइड से हाथ से इस तरह कर लेंगे ताकि साइड से ये अच्छे से राउंड हो जाए। देखिए इस तरीके से बनाना है टिक्की। सारा टिक्की मैं बना के रख लेती हूँ प्लेट में। तो ये दोस्तों मैंने कुछ टिक्कियाँ तैयार करके रख लिया है। अब इसको चलिए चलते हैं, इसको सैलो फ्राई करना है। पैन में मैंने तेल डाल दिया है, तेल भी हल्का गर्म हो गया है। अब इसको डालते जाएंगे। इसको आप चाहे तो फ्राई भी कर सकते हैं या फिर बेक कर सकते हैं। इसको अच्छे से उलट पलट के सेक लेंगे दोनों साइड से। ये इसको पलट के चेक करते हैं, देखिए कितना क्रिस्प हो गया है। ये इसी तरीके का आना है। इसको देखिए इस साइड से भी मैं अच्छे से पका लूँगी। दोनों साइड से उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे इसको। एक साइड से अच्छे से सिक गया है, दूसरे साइड से इसको सिकने लेंगे थोड़ा देर के लिए। अब इसे मैं निकाल देती हूँ। इसको पेपर पे निकालेंगे ताकि इसका जो भी तेल है एक्स्ट्रा वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाए पेपर में। सबको मैं एक एक करके अच्छे से निकाल लूँगी। देखिए एकदम मज़ेदार हुआ मेरा दोस्तों ये मूंग दाल का नाश्ता। एक बार और फ्राई करते हैं मेरा और बचा हुआ था टिक्की। चार चार करके फ्राई करेंगे इसको भी। अच्छे से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से उलट पलट के। इसको पहले सिकने देते हैं एक साइड से, उसके बाद दूसरे साइड उलट देंगे। इसको चेक करते हैं कितना क्रिस्प हो गया है। और इसी तरीके से इस साइड भी इसको उलट पलट के सेक लेंगे दोनों साइड से क्रिस्प हो जाएगा। देखिए दोस्तों कितना कलर कितना अच्छा हुआ है। देखिए दोस्तों दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। बहुत ही मज़ेदार मेरा ये टिक्की बन के रेडी हो गया है। ये गर्मा गर्म खाने में बहुत ही मज़ा आता है चटनी के साथ। अब इसको निकाल लेते प्लेट में। बच्चों को टिफिन में ले सकते हैं या फिर ब्रेड में लगा के खा सकते हैं या तो फिर ऐसे इसको। देखिए कितना मज़ेदार हुआ मेरा ये तो इस तरह से। देखिए दोस्तों इसको सॉस के साथ भी आप खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं एक नए वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय माता दी।